हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th की जो एक्सरसाइज है 10.2, उसके क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं, जिसमें कि आपको u इंटू वी फॉर्म भी मिलेगी। फर्स्ट पार्ट x इंटू ई राइज टू पावर x प्लस कॉस पाई एक्स अपॉन 4, और लिमिट क्या है 0 to 1 है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे पहले, उसके बाद जो भी आपको इंटीग्रेटेड फंक्शन मिलेगा उसमें लिमिट पुट करेंगे 0 to 1। तो इसको u इंटू वी फॉर्म में मिल रहा है आपको, तो सोल्व करने इसको आईलेट से करो, x को छोड़ दो, e राइज टू पावर x का इंटीग्रेशन e राइज टू पावर x माइनस जिसको आपने छोड़ा था, मतलब x को छोड़ा था, तो उसको डिफ्रेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में 1, और इसका इंटीग्रेशन करो e राइज टू पावर x, लिमिट क्या थी 0 to 1, और यहाँ पे भी ये इंटीग्रेशन हो चुका, तो इस पे ब्रैकेट लगा के 0 to 1 कर दो, और इधर dx प्लस कॉस का क्या आएगा साइन पाई एक्स अपॉन 4, और जो एक्स का कोफिशेंट है वो अपॉन में आते हैं, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका 4 अपॉन पाई, और इसकी लिमिट 0 to 1। लिमिट पुट करें तो एक्स बन जा, एक्स की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 e राइज टू पावर 1 यानी e, और माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करोगे तो 0 माइनस, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको e raise to power x में e raise to power x ही मिलेगा, उसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से क्या मिल रहा है e raise to power 1 माइनस ये लोअर लिमिट पुट करोगे तो e raise to power 0 1 प्लस 4 अपॉन पाई, अपर लिमिट 1 पुट करो तो साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 1 अपॉन रूट 2, और माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे e कैंसिल, और माइनस माइनस प्लस 1, और यहाँ पे 4 को लिखूँ मैं 2 root 2, क्योंकि नीचे वाले से कट गया ये 1 root 2, और नीचे पाई, ये इसका आंसर। सेकंड पार्ट में आपको फंक्शन मिल रहा है log x अपॉन x स्क्वायर और लिमिट है 1 to 2, ठीक है। अगर मैं इस log x को t सब्सटीट्यूट करता हूँ तो मेरे को 1/x मिलेगा, फिर भी अपॉन में एक x तो रह गया ना, लेकिन log x को t सब्सटीट्यूट करेंगे तो वहां से x फाइंड कर लेंगे, e raise to power t आ जाएगा। पुट log x इक्वल t, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट करो 1/x dx इक्वल dt, लेकिन यहां से x फाइंड करोगे तो x क्या आएगा e raise to power t। वो x क्यों फाइंड किया, क्योंकि यहां पे x स्क्वायर है अपॉन में 1/x, तो dx अपॉन x को तो लिख देंगे dt, लेकिन अपॉन x और बच गया ना, उस अपॉन x को अपॉन में e raise to power t लिखेंगे। हाँ, लिमिट चेंज होगी इसकी, जैसे ही मैं लोअर लिमिट 1 पुट करता हूं तो log 1 0 हो गया, तो लोअर लिमिट आई 0, 2 पुट करता हूं तो log 2 अपर लिमिट होगी। log x को मैंने t सब्सटीट्यूट किया और 1/x स्क्वायर dx के बदले dt मिल गया, नीचे एक x बचा हुआ है, उस x को लिखा मैंने e raise to power t। अब इसको ऊपर ले जाओ 0 to log 2 लिमिट एज इट इज, ये ऊपर आएगा तो t into e raise to power minus t dt हो जाएगा। अब इसको आईलेट से करना है, ठीक है। तो आईलेट में पहले एल्जेब्रिक, उसके लास्ट में आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये u हो गया और ये v हो गया, ठीक है। इस u को एज इट इज लिखो, मतलब छोड़ दो, और इसको डिफ्रेंशिएट करो, सॉरी इंटीग्रेशन करो इसका, तो क्या आएगा माइनस टी ई राइज टू पावर माइनस टी, और इसकी लिमिट 0 to log 2, फिर माइनस अप्लाई करो, इंटीग्रेशन लिमिट क्या थी वो लगा दो 0 to log 2, ठीक है। अब जिसको आपने यू लेट किया उसको टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, तो क्या आएगा t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 आएगा, ठीक है। और e raise to power minus t का इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस e raise to power minus t, वो माइनस इसको प्लस कर गया e raise to power minus t, और अब इसका करेंगे इंटीग्रेशन। तो यहां पे लोअर लिमिट सॉरी अपर लिमिट पुट करता हूं मैं पहले, माइनस log 2 t के बदले इंटू e raise to power minus log 2, और माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करोगे तो 0 इंटू एनी नंबर 0 हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा e raise to power minus t को अगर t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन फाइंड करें तो माइनस मिलेगा एक तो, और e raise to power minus t आएगा, और इसकी लिमिट क्या है 0 to log 2 माइनस log 2 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ log 2 raise to power minus 1, यहाँ पे minus 1 है ना, log की प्रॉपर्टी है, उसकी एक्सपोनेंट बन जाएगी, माइनस
यहां पे लिमिट पुट करते हैं तो क्या आएगा, e राइज टू पावर माइनस log 2 और माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या, e राइज टू पावर 0 यानी 1, ठीक है। ये पूरा कैंसिल, 2 राइज टू पावर माइनस 1 यानी 1/2, तो इसको लिखा मैंने माइनस log 2 अपॉन 2, ठीक है, माइनस माइनस, यहां पे ये और ये सेम है ना, तो इसको मैंने क्या लिखा था, log 2 अपॉन 2 सॉरी 1 अपॉन 2, इसको क्या लिखा था मैंने 2 इनवर्स को 1 अपॉन 2, तो इसको लिखा मैंने 1 अपॉन 2 और माइनस माइनस प्लस 1 वन जा 1, तो 1 माइनस हाफ हाफ 1/2, और ये क्या है माइनस log 2 अपॉन 2, 1/2 कॉमन, क्या बचा 1 माइनस log 2, इसका आंसर हो जाएगा। अब सेवंथ का थर्ड पार्ट देखते हैं, इसमें लिमिट है 0 टू पाई बाई 4 और फंक्शन आपको देखो किस फॉर्म में दे रखा है, ये अल्जेब्रिक और ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो चाहो तो आप इससे साइन 2x को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, सिंगल आएगा, इसका इंटीग्रेशन इजी रहेगा, और फिर माइनस इसमें u इंटू v अप्लाई कर लेना, या फिर इस पूरे को u और इसको v लेट करके फिर अप्लाई कर लेना, जैसा आपको उचित लगे, ठीक है। मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको, फिर इंटीग्रेशन करूंगा इसका, आप इसको u और इसको v लेट करके फिर इंटीग्रेशन करना, ठीक है, आंसर दोनों का सेम आएगा। तो पहले मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, 0 टू पाई बाई 4, इसको 1 से करेंगे तो साइन 2x dx, माइनस 0 टू पाई बाई 4 एक्स स्क्वायर साइन 2x dx, तो इसका आएगा माइनस 1/2 cos 2x, लिमिट 0 टू पाई बाई 4, माइनस u इंटू वी, ओके, एक्स स्क्वायर, देखो यहां पे माइनस है तो स्क्वायर ब्रैकेट अप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, u को एज इट इज रखा मैंने, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, यही तो है, यानी माइनस 1/2 cos 2x, और इसकी लिमिट पुट कर दो 0 टू पाई बाई 4, फिर माइनस अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4, जिसको u लेट किया उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, x स्क्वायर को u लेट किया था तो क्या था, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा x के रिस्पेक्ट में 2x, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा cos 2x अपॉन माइनस 2, ठीक है dx, ये 2 कैंसिल हो गया और ये माइनस आ गया कि इसको प्लस कर देगा, माइनस 1/2, यहां पे लिमिट पुट करते हैं तो cos पाई बाई 2 0 हो गया, अपर लिमिट से 0, लेकिन माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है 0 है तो cos 0 1 हो गया, माइनस यहां पे अपर लिमिट पुट करते हैं तो क्या आएगा पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 0, खत्म कहानी, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट यहां पे 0 पुट करोगे लेकिन यहां पे माइनस इस सॉरी इस एक्स की वजह से ये क्या हो गया 0, यानी अपर लिमिट लोअर लिमिट सब कुछ 0 है इसमें, तो ठीक है हटाओ इसको, ये माइनस, ठीक है यहां पे इंटीग्रेशन, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, इसको भी हटाओ, 0 टू पाई बाई 4 एक्स कोस 2x dx, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1/2 1/2, माइनस यू इंटू वी फॉर्म, यू इंटू वी फॉर्म इंटीग्रेशन जैसे अभी किया था, तो यहां पे मैंने x को एज इट इज लिखा और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा साइन 2x अपॉन 2, यानी अपॉन 2 मैंने यहां पे लगा दिया, और इसकी जो लिमिट है वो भी पुट कर दो 0 टू पाई बाई 4, और माइनस अप्लाई करेंगे लेकिन एक आगे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 टू पाई बाई 4 जिसको आपने यू लेट किया था, इसको यू लेट किया था ना, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो 1 आएगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 1/2 साइन 2x dx, 1/2 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है पाई बाई 4, यहां पे पुट करोगे तो पाई बाई 2 मिलेगा, ये साइन पाई बाई 2 1 होता है, और यहां पे पाई बाई 4 इंटू 1/2 पाई बाई 8, माइनस लोअर लिमिट 0 है तो 0 हो गया, ठीक है प्लस प्लस 1/2 को मैंने बाहर लिखा, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 1/2 cos 2x, वो भी नेगेटिव, तो इस पॉजिटिव को कर दिया मैंने नेगेटिव, और इसकी लिमिट क्या थी 0 टू पाई बाई 4, ये कैंसिल हो गया, अच्छा सॉरी 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 1/4 है नहीं, 1/4 कैंसिल नहीं हुआ, 1/2 माइनस पाई बाई 8 माइनस 1/4, और अब ये लिमिट पुट करो तो cos
2 इंटू पाई बाई 4 कोस पाई बाई 2 जीरो माइनस लोअर लिमिट पुट करो यानी 1 माइनस माइनस प्लस 1 बाई 4 प्लस हाफ 3 बाई 4 माइनस पाई बाई 8 एलसीएम 8 ऊपर आएगा 4 टू जा 3 टू जा 6 माइनस पाई इसका आंसर। नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है इसमें आपको आगे तो मिल रहा है एक्स राइज टू पावर 5 और पीछे मिल रहा है एक्स क्यूब में है ना, तो इसको अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो एक्स स्क्वायर में मिलना चाहिए, तो इसको स्क्वायर इंटू क्यूबिक में चेंज कर लो, 0 टू पाई बाई 2 और उसकी भी एक्सपोनेंट 1 बाई 3, यहां पे इसको लिखा मैंने एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब साइन एक्स क्यूब डी एक्स। अब एक्स क्यूब को टी सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट एक्स क्यूब इक्वल टी, तो क्या मिलेगा 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल डी टी, उस 3 को मैंने अपॉन में भेज दिया, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और डी एक्स इसके बदले 1 बाई 3 डी टी, 1 बाई 3 डी टी डी टी, एक्स क्यूब को मैंने टी पुट किया और साइन एक्स क्यूब, तो साइन एक्स क्यूब को वापस टी लिखो तो टी इंटू साइन टी आ गया, ठीक है, यू इंटू वी फोर में। हाँ बात करें लिमिट की, तो लिमिट लोअर लिमिट क्या है, जीरो है, जीरो जैसे ही पुट करेंगे तो टी की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, और अपर लिमिट पाई बाई 2 राइज टू पावर 1 बाई 3 पुट करते हैं तो उसका होल क्यूब करोगे एक्सपोनेंट कैंसिल हो जाएगी, पाई बाई 2 बचेगा, ठीक है, यू इंटू वी फोर में 1 बाई 3 आगे एज इट इज है, उसको एज इट इज लिखा, यू इंटू वी फोर में टी को छोड़ दिया, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस कोस टी, और इसकी लिमिट लिमिट क्या थी 0 टू पाई बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 टी को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो वन आएगा और साइन का इंटीग्रेशन प्लस में आएगा कोस टी डी टी, 1 बाई 3 कंप्लीट के साथ है एज इट इज, यहां पे लिमिट पुट करते हैं तो कोस पाई बाई 2 जीरो हो गया, ठीक है, इसकी वजह से जीरो पूरा, माइनस लोअर लिमिट जीरो पुट करोगे तो इसकी वजह से पूरा जीरो हो गया, खत्म कहानी, ये पूरा जीरो है, ठीक है, आगे देखो प्लस और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा साइन टी और इसकी लिमिट जीरो टू पाई बाई 2, लिमिट पुट करनी है आपको 1 बाई 3 इंटू साइन पाई बाई 2 1 माइनस लोअर लिमिट साइन जीरो जीरो, तो आंसर क्या आया 1 बाई 3। नेक्स्ट पार्ट इसमें देखो जो साइन की पावर है ना उटपटांग सी है 3/2, अगर मैं साइन एक्स को टी सब्सटीट्यूट करता हूं तो उसको डिफरेंशिएट करने पे कोस एक्स मिलना चाहिए, वो मिल रहा है यहां पे, लेकिन क्यूबिक है, कोस स्क्वायर फालतू आ रहा है, उस कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज कर दो पहले, है ना, 0 टू पाई बाई 2 साइन राइज टू पावर 3/2 एक्स कोस एक्स और क्या बचा कोस स्क्वायर, उसको लिखा मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ठीक है, अब आप पे साइन एक्स को टी सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट साइन एक्स इक्वल टी, डिफरेंशिएट करो कोस एक्स डी एक्स इक्वल डी टी, यानी इसके और इसके बदले क्या आ गया डी टी आ गया, तो मैंने लिखा डी टी, यहां पे इसको मैंने टी सब्स्टिट्यूट किया, उसके एक्सपोनेंट 3/2 है, टी राइज टू पावर 3/2 और यहां पे 1 माइनस टी स्क्वायर, मतलब टी स्क्वायर ये साइन को टी लिख किया था ना, हाँ लिमिट की बात करते हैं, जैसे ही मैं जीरो लिमिट पुट करता हूं यहां पे तो टी की वैल्यू क्या है जीरो और पाई बाई 2 पुट करो तो वन आएगा, ठीक है, इस टी राइज टू पावर 3/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 0 टू 1 टी राइज टू पावर 3/2 डी टी माइनस 0 टू 1 टी राइज टू पावर कितनी आएगी 3/2 प्लस 2 दो 3 3/3 7 अपॉन 2 टी टी, इनको तो अच्छे से करना आते हैं, इसका क्या आएगा टी राइज टू पावर 5/2 अपॉन 5/2 तो वो बढ़ गया 2 अपॉन 5 और उसकी एक्सपोनेंट 0 सॉरी एक्सपोनेंट नहीं लिमिट 0 टू 1 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 9/2 एक्सपोनेंट और रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 अपॉन 9 लिमिट 0 टू 1 लिमिट पुट करनी है 2 अपॉन 5 एज इट इज अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट 0 ठीक है माइनस 2 अपॉन 9 इंटू 1 माइनस 0 ठीक है यानी 2 अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 9 एलसीएम 45 5 9 जा 9 2 जा 18 9 45 है ना ये 9 5 जा 5 2 जा 10 8 अपॉन 45 ठीक है ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका जो 6th पार्ट है इसको अच्छे से देखना, अब की बार लिमिट दे दिए और अगर लिमिट नहीं देता तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, उसके बाद ही तो लिमिट पुट करते हैं ना,
तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है, और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन साइन में और कोस में दोनों में होता है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा, जो कि मैंने मेरे दूसरे चैनल पे हाउडू वाले पे दोनों टाइप के क्वेश्चन बता रखे हैं कि किस टाइप से एग्जाम में आते हैं कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है। और इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या आएगा वो भी मैंने बता रखा है। आया कैसे, तो उसके लिए आप एक्सरसाइज 9.7 की वीडियो देखना, उसके क्वेश्चन नंबर शायद 9 है, ठीक है, उसमें चेक करना आप इसी टाइप के क्वेश्चन से। तो मैं इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करके लिख रहा हूं, इसकी फॉर्म क्या है वो बता देता हूं मैं पहले आपको। इंटीग्रेशन ऑफ e राइज टू पावर ax इनटू साइन bx dx, ये होता है e राइज टू पावर ax अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू साइन bx माइनस tan इनवर्स b अपॉन a प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी, ठीक है। यहाँ पे सी नहीं आएगा, लिमिट है, ओके। यहाँ पे मैंने लिमिट पुट नहीं की इसलिए मैंने सी लिखा है। अब आपको कंपेयर करना है ए और बी, ये आप चेक कर लो। ए क्या है, ए होता है एक्स का कोफिशेंट ई की पावर में, तो ई की पावर में एक्स का कोफिशेंट क्या है 1/2, और बी क्या होता है जो साइन में एंगल है ना उसमें एक्स का कोफिशेंट, तो यहाँ पे एक्स का कोफिशेंट क्या है 1/2, ठीक है। अब ये ए और बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, और लिमिट क्या क्वेश्चन लिखो पहले 0 to 2π e राइज टू पावर एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू प्लस पाई बाई फोर डी एक्स इक्वल e राइज टू पावर ए एक्स एज इट इज एक्स बाई टू अपॉन रूट ए स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है 1/4 प्लस 1/4 साइन बी एक्स का मतलब जो एंगल था ना इसका वो कंप्लीट एंगल, वो कंप्लीट क्या है x अपॉन टू प्लस पाई बाई फोर माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए 1/2 अपॉन 1/2 1, ठीक है। और कंप्लीट की लिमिट क्या है 0 to 2π। अब आपको लिमिट पुट करनी है, तो यहां पे अगर मैं अपर लिमिट 2π पुट करता हूं तो क्या मिलेगा साइन टेन इनवर्स 1, ये तो हो गया π/4 माइनस π/4 कैंसिल, ठीक है। ये बच्चा बस क्या साइन एक्स बाई टू, इसमें लिमिट पुट करनी है 2π, तो 2π/2, 2 से 2 कैंसिल पाई, साइन पाई 0, इस 0 की वजह से पूरा 0, यानी अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या 0 है ना, ये तो पूरा कट गया π/4 माइनस π/4, ये π/4 है ना, ठीक है। तो ये 0 यहां पे पुट करेंगे तो 0/2 0, साइन 0 क्या होता है 0, तो 0 इंटू एनी नंबर 0, यानी अपर लिमिट पे भी 0 लोअर लिमिट पे भी 0, मतलब पूरा 0, तो इसका आंसर क्या आया 0, ओके। नेक्स्ट जो सेवंथ पार्ट है उसमें आपको देखो अगर न्यूमरेटर वाले को टी सब्स्टिट्यूट किया जाए तो उसका डिफरेंशिएशन नीचे आ रहा है रूट में आ रहा है, लेकिन वो तो डीएक्स के साथ आना चाहिए ना कि अपॉन में, है ना। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो टी सब्स्टिट्यूट करके और एक ये वाला, देखो टी सब्स्टिट्यूट करके कैसे करें वो मैं बताऊंगा, उसे मैं करूंगा। दूसरा मेथड आप देख लो, इसको u और 1/√2x+1 को vlet कर लेना, ilet से कर लेना, ठीक है। अच्छा अब जो दूसरा मेथड है मतलब t सब्स्टिट्यूशन वाला, उसको क्या नीचे वाले को t सब्स्टिट्यूट कर लो, अगर कहीं x बच भी जाए, ठीक है, तो उसको जहां पे आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो वहां से t की फॉर्म में ले आना और वैल्यू पुट कर देना। कैसे देखो, पुट 2x+1 इक्वल टी, एक्स फाइंड कर लो पहले, टी माइनस 1/2, अब डिफ्रेंशिएट कर दो dx इक्वल 1/2 dt, ठीक है। तो जहां पे dx है वहां पे 1/2 और dt पुट करो, ठीक है, dx को dt लिख देंगे, बाकी वैल्यू पुट करते हैं x स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर करना है, t माइनस 1/2 होल स्क्वायर, तो मैंने इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड किया t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t और नीचे 4 प्लस x, x क्या है t माइनस 1/2, और इसको मैंने अंदर वाले को t पुट किया था, dx 1/2 हो गया dt, ठीक है, सॉरी 1/2 0, अच्छा लिमिट और भूल गए ना, लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट 2 पुट करते हैं तो क्या आएगा 2 into 2 plus 1 5, अपर लिमिट 4 to 8 plus 1 9 5 to 9, एलसीएम लेके सोल्व करें तो एलसीएम क्या आ रहा है 4 आ रहे हैं, और ये रूट टी इस 4 के साथ आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t और प्लस 2 बचा ना, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो प्लस 2t माइनस 2,
ये 2t कैंसिल हो गया और dt, t स्क्वायर माइनस वन बचा, प्लस वन माइनस टू माइनस वन, वन बाई टू फाइव टू नाइन टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन रूट टी, ये जो 4a को मैंने बाहर लिखा इंटू टू पहले था तो 8 हो गया dt। अब ये जो 1 बाई टू एक्सपोनेंट इसको ऊपर भेज दो, ठीक है, 1 बाई एट फाइव टू नाइन, टू माइनस हाफ थ्री बाई टू, टी राइज टू पावर थ्री बाई टू, और यहां पे सिंगल था ना तो माइनस वन बाई टू हो जाएगी डी टी, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं और लिमिट भी पुट कर देंगे, यहां पे क्या आएगा इंटीग्रेशन करेंगे तो थ्री बाई टू प्लस वन, फाइव अपॉन टू रेसिप्रोकल करो टू अपॉन फाइव, टी राइज टू पावर फाइव अपॉन टू, माइनस यहां पे क्या आएगा प्लस वन करो प्लस हाफ, नीचे भी प्लस हाफ तो रेसिप्रोकल हो गया टू आगे ऊपर, ठीक है, और टी की पावर हाफ वन बाई टू, इसकी लिमिट फाइव टू नाइन। अब आपको लिमिट पुट करनी है वन बाई एट एज इट इज, अपर लिमिट नाइन पुट करते पहले टू अपॉन फाइव इंटू नाइन मतलब थ्री स्क्वायर, स्क्वायर से नीचे वाला टू कैंसिल, थ्री राइज टू पावर फाइव, उसको क्या लिखे 243, चलो 35 ही रहने दो अभी तो ना, माइनस माइनस टू इंटू रूट नाइन थ्री, माइनस लोअर लिमिट फाइव, टू अपॉन फाइव इंटू फाइव राइज टू पावर 2.5, यानी फाइव स्क्वायर और रूट फाइव बचा, ठीक है 2.5 हो गया, माइनस माइनस टू इंटू रूट फाइव, ठीक है वन बाई एट थ्री राइज टू पावर फाइव टू 43, 243 इंटू टू है 486 अपॉन फाइव, माइनस थ्री टू जा सिक्स, माइनस यहाँ पे ये कैंसिल फाइव, फाइव टू जा टेन रूट फाइव, टेन रूट फाइव, और माइनस माइनस हो गया प्लस, और इसके साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं था तो बचा क्या टू रूट फाइव, टू रूट फाइव। अब माइनस टेन रूट फाइव प्लस टू रूट फाइव माइनस एट रूट फाइव यहाँ पे बचा है, और इनको एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे, वन बाई एट स्पेस कितना है नीचे चल जाएगा काम, वन बाई एट एलसीएम थर्टी सॉरी फाइव, तो थर्टी माइनस करो, थर्टी माइनस करेंगे तो सिक्स, थ्री माइनस करो फाइव फोर, ठीक है नीचे फाइव, और क्या आएगा माइनस आएगा एट रूट फाइव। अब वन बाई एट को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, वन बाई एट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल करेगा ये इसको, एट फाइव जा और एट सेवन जा नीचे फाइव, माइनस एट से एट कैंसिल रूट फाइव, अपॉन वन लेट कर लो एलसीएम लेके सोल्व कर लो, एलसीएम क्या आया फाइव आया, 57 माइनस फाइव रूट फाइव इसका आंसर होगा, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन का लास्ट एट्थ पार्ट, और ये पार्ट देखते ही आपको ध्यान आ गया होगा इसकी जो प्रॉपर्टी थी e राइज टू पावर x, और अंदर क्या एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, मतलब जो फंक्शन है उसका ही डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा, वन बाई एक्स है, वन बाई एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, जो कि आपको मिल रहा है, ठीक है ना। यू नो दैट e राइज टू पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ e राइज टू पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज e राइज टू पावर x एफ एक्स प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट c, ठीक है। अब कंपेयर करोगे तो आपको यही तो मिल रहा है, अच्छा यहां पे आपको लिमिट दे रखी है, लिमिट दे रखी है तो क्या हो जाएगा, ये जो भी आपको सॉल्यूशन मिला है e राइज टू पावर x इंटू एफ एक्स, एफ एक्स बोले तो 1 बाई एक्स, ठीक है, इसकी लिमिट पुट कर दो 1 टू 2, अब ये आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट c हट चुका है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है 2, 2 पुट करो e स्क्वायर अपॉन 2, माइनस लोअर लिमिट 1 e, आंसर। अब देखते हैं एट्थ उसका फर्स्ट पार्ट, यहां पे जो साइन 2x है ना इसको साइन कोस की फॉर्म में लिख लो, 0 टू पाई बाई 2, इसको लिखा मैंने 2 साइन x कोस x, और टेन इनवर्स उसके साथ है साइन एक्स डी एक्स। अब साइन एक्स को टी सब्सटीट्यूट कर दो तो कॉस एक्स डी एक्स आपको मिल जाएगा, पुट साइन एक्स इक्वल
टी तो क्या मिलेगा, कोस एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। टू कॉन्स्टेंट को आगे लिखा, लिमिट पुट करते हैं, जैसे ही लोअर लिमिट जीरो पुट करेंगे तो जीरो, पाई बाई टू पुट करेंगे तो वन आएगा। साइन एक्स को मैंने टी पुट किया और कोस एक्स डी एक्स के बदले डी टी आ गया, टेन इनवर्स टी बचा। ठीक है, ये अब आइलेट से करेंगे तो क्या आएगा, टू एज इट इज इनवर्स, सबसे पहला इनवर्स ही है ना, ठीक है, तो इसको इनवर्स वाले को यू, इसको भी लेट करो, तो टेन इनवर्स टी एज इट इज और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, टी स्क्वायर बाई टू, इसकी लिमिट जीरो टू वन, फिर माइनस इंटीग्रेशन जीरो टू वन, जिसको आपने यू लेट किया उसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, टी का टी स्क्वायर अपॉन टू, तो मैंने लिखा टी स्क्वायर अपॉन टू को बार किया डी टी। अब यहां पे टी स्क्वायर आ रहा है, इसके साथ प्लस वन माइनस वन कर लेते हैं, ठीक है, टू यहां पे लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, अपर लिमिट पुट करो पहले, लोअर लिमिट तो जीरो ही देगा, ठीक है, अपर लिमिट टेन इनवर्स वन, पाई बाई फोर, वन बाई टू, पाई बाई फोर इंटू वन बाई टू, पाई बाई एट, माइनस वन बाई टू, यहां पे मैंने प्लस वन माइनस वन बोला था वो करना है, वन प्लस टी स्क्वायर माइनस वन और नीचे वन प्लस टी स्क्वायर डी टी, तो यहां पे आया, ये टू अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो पाई अपॉन फोर माइनस टू, इससे मल्टीप्लाई होगा, खत्म कहानी इसकी, क्या बचा जीरो टू वन, वन प्लस टी स्क्वायर में वन प्लस टी स्क्वायर से डिवाइड करो वन, माइनस वन में करोगे तो वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर डी टी, ठीक है, पाई बाई फोर माइनस इसका क्या आएगा टी, ओके, माइनस और वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, इसका क्या आएगा टेन इनवर्स टी, लिमिट जीरो टू वन, पाई बाई फोर माइनस अपर लिमिट वन माइनस टेन इनवर्स वन पाई बाई फोर माइनस लोअर लिमिट जीरो जीरो जीरो, खत्म कहानी, हटाओ इसको, पाई बाई फोर माइनस माइनस प्लस पाई बाई फोर, पाई बाई टू और माइनस वन, आंसर क्या आया पाई बाई टू माइनस वन, पाई बाई टू माइनस वन, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको फंक्शन दो दे रखे हैं, एक तो एल्जेब्रिक है और एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना, तो आईलेट से आप इसको यू और इसको विलेट करो, तो यू वाले को छोड़ दो, मतलब एज इट इज लिखो, टेन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर एज इट इज, और जो x है उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और इसकी जो लिमिट है वो भी पुट कर दो जीरो टू वन, फिर माइनस इंटीग्रेशन जीरो टू वन, अब जिसको आपने यू लेट किया था उसको डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा टू टेन इनवर्स x और टेन इनवर्स x का अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जो v था उसको इंटीग्रेशन, उसका इंटीग्रेशन लिखो एक्स स्क्वायर अपॉन टू डी एक्स, ये टू कैंसिल हो गया, ठीक है, इसमें लिमिट पुट करो वन बाई टू और ये पाई बाई फोर होल स्क्वायर, यानी पाई स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन इंटू टू, पाई स्क्वायर अपॉन थर्टी टू, माइनस लोअर लिमिट जीरो देगी रिजल्ट, ठीक है, माइनस सॉरी जीरो टू वन, ऊपर क्या बचा एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, अगर मैं अभी टेन इनवर्स एक्स को टी सब्सटीट्यूट करूं तो नीचे वाला मेरे को मिल जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर जो ऊपर है ना वो दिक्कत करेगा, तो उसको भी टी में ले आएंगे, कैसे, जहां पे आप टेन इनवर्स एक्स को टी पुट करोगे तो एक्स क्या आएगा टेन टी आएगा, ठीक है, पुट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टी वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल डी टी, ठीक है, पाई स्क्वायर अपॉन 32 माइनस लिमिट क्या आएगी, देखो अगर मैं लोअर लिमिट जीरो पुट करूं तो जीरो, वन पुट करूं तो पाई बाई फोर, एक्स स्क्वायर अभी इसको छोड़ दो, ये क्या टी सब्सटीट्यूट किया और डी एक्स अपॉन इसके बदले आगे डी टी, टी डी टी कौन बच गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्या आ रहा है यहां से टेन टी है ना, तो टेन टी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा टेन स्क्वायर टी, ठीक है, अच्छा अब टेन स्क्वायर टी और ये टी यू इंटू वी फोर में है, π
फाइव स्क्वायर अपॉन 32 माइनस, तो यहाँ पे u इंटू वी अप्लाई करें, आईलेट अप्लाई करें, तो ये तो u बनेगा और ये v बनेगा, ठीक है। माइनस आ गया तो मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया, तो इस u को छोड़ दिया, u इंटू वी है ना, हाँ ठीक है, u को छोड़ दो, t को छोड़ दिया मैंने, मतलब एज इट इज लिखा, और इसका डिफ्रेंसिएशन सॉरी इंटीग्रेशन क्या आएगा, टेन स्क्वायर का नहीं पता, लेकिन टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं ना sec स्क्वायर t माइनस वन, ठीक है। तो sec स्क्वायर t का आया tan t, और माइनस वन वन का आया t, ठीक है। और इसकी लिमिट क्या थी, 0 टू पाई बाई 4, फिर माइनस अप्लाई करो और इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4, ठीक है। जिसको आपने u लेट किया था उसको डिफ्रेंशिएट करो, वन आएगा t के रिस्पेक्ट में, और इसका इंटीग्रेशन ये रहा अंदर tan t माइनस वन और dt, टी पाई स्क्वायर अपॉन 32 माइनस, लिमिट पुट करें तो क्या मिलेगा, यहां पे पाई बाई 4 इंटू टेन पाई बाई 4 वन माइनस पाई बाई 4 माइनस लोअर लिमिट 0 इंटू एनी नंबर 0, ठीक है, माइनस यहां पे क्या आएगा tan t, इसका आएगा log sec t, log sec t, और माइनस वन का आएगा x, आगे माइनस था तो यहां पे कर्ली ब्रैकेट मैंने अप्लाई किया, और इसकी लिमिट 0 टू पाई बाई 4, ठीक है। अच्छा अब इनको सोल्व करना है, तो यहां पे आएगा पाई स्क्वायर अपॉन 32, नीचे काफी स्पेस है, पाई स्क्वायर अपॉन 32 माइनस पाई अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस, और क्या आ रहा है, पाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और यहां पे अपर लिमिट पुट करो, सेक पाई बाई 4 रूट 2 यानी लॉग रूट 2, ठीक है। और यहां पे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, पाई बाई 4 जीरो पुट करेंगे तो ये तो जीरो, और सेक 0 1 लॉग 1 0, खत्म कहानी, बस ये बचा। तो यहां पे आपको सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, पाई स्क्वायर अपॉन 32 और पाई स्क्वायर अपॉन 16, ठीक है, इनको सोल्व करना है। तो पाई स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, 1 अपॉन 32 प्लस 1 अपॉन 16, 32 1 प्लस 2 3 अपॉन 32, ठीक है। और देखो ये क्या आया, माइनस पाई बाई 2, इसको लिखा मैंने 2 राइज टू पावर 1/2, 1/2 आगे आ गया, प्लस 1/2 log 2, ठीक है। अब यहां से कॉमन क्या आ रहा है, अगर मैं पाई बाई 2 कॉमन लू तो क्या मिला मेरे को, 3 पाई अपॉन 16 माइनस 1 प्लस 1/2 log 2, इसका आंसर हो जाएगा। एक करेक्शन करना, यहां पे tan t माइनस वन नहीं t था, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, t स्क्वायर इंटीग्रेशन करोगे तो t स्क्वायर अपॉन 2। अब लिमिट पुट करो तो यहां पे रिजल्ट क्या मिलेगा, देखो ये मिल चुका है हमको यहां तक, इसमें वैल्यू पुट की, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 1 बाई 2 इंटू पाई स्क्वायर अपॉन 16 यानी पाई स्क्वायर अपॉन 32, ठीक है, ये आएगा। और जीरो पुट करने पे तो जीरो ही आ रहा था, तो ये कैंसिल हो गया। अब जो बचा उनको देखो, यहां से इन दोनों से अगर मैं पाई बाई 4 कॉमन ले लूं, पाई बाई 4 कॉमन लूं तो क्या आएगा, पाई अपॉन 4 और माइनस 1 और प्लस, इसको क्या लिखें, ये लिखा था ना, कहां लिखा था, ये वाला 1/2 log 2, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। करेक्शन कर लेना, मिस्टेक हो गई मेरे से, सॉरी उसके लिए। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है, इसमें आपको ये कुछ देखा देखा लग रहा है ना, ये नाइन्थ चैप्टर में हम कर भी चुके हैं,
दो तीन बार आया था ये। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहला काम रहेगा कि रूट हटाना है, यानी अंदर स्क्वायर फॉर्म आपको क्रिएट करनी होगी, और अगर कोई कांस्टेंट आ रहा है तो उस एक्स को उसी कांस्टेंट के साथ भी आपको एज्यूम करना होगा, लेट करना होगा, ताकि कॉमन ले तो कट जाए। अपॉन में प्लस है ना, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर या 1 प्लस कोट स्क्वायर फॉर्म क्रिएट करो, ताकि कोसेक, अगर कोट लेट करो कोट स्क्वायर वाला तो कोसेक स्क्वायर मिले, और टेन वाला लेट करो तो सेक स्क्वायर मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्स को ए टेन स्क्वायर थीटा पुट करता हूँ, पुट एक्स इक्वल ए टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब dx निकाल लो, dx क्या आएगा, a कॉन्स्टेंट एज इट इज 2 आ गया है, टेन थीटा, और टेन का क्या आएगा sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। ठीक है, बात करें लिमिट की, तो अगर मैं x में 0 पुट करूं तो 0 बाई ए, 0 थीटा क्या आया 0 आया, और अगर a पुट करता हूं तो a बाई ए कैंसिल, 1 tan थीटा 1 तो पाई बाई 4 आ गया। ठीक है, dx के बदले 2a जो कि कॉन्स्टेंट था, और tan sec स्क्वायर थीटा, tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा बचा। ठीक है, यहां पे क्या है साइन इनवर्स, ऊपर आया x, x मतलब ये वैल्यू, अपॉन a प्लस a tan स्क्वायर थीटा, तो a कॉमन आ गया ऊपर से भी, ऊपर तो a था, चलो मैं लिख देता हूं, इसलिए नहीं लिख रहा था, a tan स्क्वायर थीटा और नीचे a प्लस a tan स्क्वायर थीटा रूट के अंदर, और 2a को बाहर लिखा मैंने, tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, यहीं पे कर देता हूं इसको, 2a 0 टू पाई बाई 4 साइन इनवर्स, देखो a कैंसिल हो गया, ऊपर tan स्क्वायर नीचे sec स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर, sec स्क्वायर ऊपर गया cos स्क्वायर, tan स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर साइन स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट गया साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पे लिखा मैंने साइन थीटा, और ये एज इट इज tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, यहां पे ओनली थीटा बचा, 2a 0 टू पाई बाई 4 ओनली थीटा, और tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब tan थीटा को अगर मैं p पुट कर दूं तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा, करो तो पुट tan थीटा इक्वल p, क्या मिलेगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा इक्वल dp, लिमिट भी चेंज हो जाएगी इसकी। हाँ, थीटा क्या आएगा, थीटा भी बच रहा है ना, थीटा यहां से क्या आया tan इनवर्स p। ठीक है, 2a कांस्टेंट एज इट इज, इंटीग्रेशन लिमिट की बात करते पहले, अगर मैं 0 पुट करूं थीटा को तो क्या मिलेगा p की वैल्यू 0 आएगी, पाई बाई 4 पुट करता हूं तो 1 आएगा। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स p, थीटा को लिखा मैंने tan इनवर्स p। अच्छा, इसको मैंने p लेट किया था तो यहां पे लिखा इसके बदले p, इसकी वैल्यू पुट की इसको p, और ये पूरा dp बन गया। ठीक है, अब x tan इनवर्स x विद रेस्पेक्ट टू x वो फॉर्म आ गई है ना, तो आई लेट अप्लाई करेंगे यहां पे, 2a कांस्टेंट है, ठीक है, तो tan इनवर्स p u बनेगा और ये p v बनेगा, तो v का क्या आएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, और इसकी लिमिट भी लिख दो 0 टू 1, फिर माइनस इंटीग्रेशन 0 टू 1, जिसको आपने u लेट किया था उसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो p के रिस्पेक्ट में, तो 1 अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर, और इसका क्या आएगा p स्क्वायर अपॉन 2 dp। ठीक है, अपॉन 2 को बाहर कर दो, 2a यहां पे लिमिट भी पुट कर दो, क्या आएगा tan इनवर्स 1 पाई बाई 4, और यहां पे 1 बाई 2 यानी पाई अपॉन 8, और 0 पुट करोगे तो 0। ठीक है, माइनस 0 टू 1, 1 बाई 2 को मैंने बाहर लिखा, 1 बाई 2 को बाहर लिखा। ठीक है, बचा के ऊपर पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, ऊपर जो पी स्क्वायर है उसके साथ मैंने 1 प्लस और 1 माइनस कर दिया। ठीक है, अब सेपरेट डिवाइड करेंगे, ये तो पार्ट कर भी चुके हम। अच्छा, नीचे स्पेस है, 2a बंद करो इसको, 2a यहां पे पाई बाई 8 माइनस 1 बाई 2। अच्छा, अब यहां पे अंदर क्या बचा, 0 टू 1, 1 प्लस पी स्क्वायर में 1 प्लस पी स्क्वायर से डिवाइड किया 1, और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस
पी स्क्वायर डी पी बचा हुआ है, ठीक है, क्लियर है नीचे तक, बिल्कुल क्लियर है। अब इधर देखो, 2a को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये कैंसिल, पाई a अपॉन 4 माइनस 2 कैंसिल, a बचा। यहां पे 1 का इंटीग्रेशन p के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, p आएगा, ठीक है, और लिमिट 0 टू 1 बाद में करेंगे। यहां पे क्या आएगा, tan इनवर्स p, पूरे की लिमिट 0 टू 1 थी, ठीक है, बस यही बचा था, 1/2 तो हट ही गया, a बचा था। अब इसको सोल्व करना है, पाई a अपॉन 4 माइनस a इंटू, लिमिट पुट कराओ 1 माइनस पाई बाई 4, 0 पुट करोगे तो 0, तो ये आया पाई a अपॉन 4 माइनस a माइनस माइनस प्लस पाई a अपॉन 4, पाई a अपॉन 4 टू टाइम है तो ये बन गया पाई a अपॉन 2, और माइनस कॉन्स्टेंट a, चाहो तो आप यहां से a कॉमन ले सकते हो, तो क्या आएगा पाई बाई 2 माइनस 1, यानी पाई माइनस 2 अपॉन होल 2, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, इसमें आपको x साइन इनवर्स x ऊपर मिल रहा है और नीचे साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, यानी 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर, तो साइन इनवर्स x को t सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट साइन इनवर्स x इक्वल t, डिफरेंशिएट करो तो ये आएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx इक्वल dt, और यहां से x भी फाइंड कर लो क्योंकि आगे x है, तो x क्या आया साइन t, ठीक है, तो इतने के बदले तो आ गया dt, इसको मैंने पुट किया t, और x की वैल्यू क्या साइन t, यानी t साइन t बन गया, t इंटू साइन t। लिमिट की बात करते हैं, 0 पुट करें तो 0, 1 किस पे, पाई बाई 2 पे, ठीक है। अब आईलेट अप्लाई करो तो ये u है और ये v है, तो u को एज इट इज, और इसका इंटीग्रेशन माइनस cos x, सॉरी cos t, लिमिट इसकी 0 टू पाई बाई 2, फिर माइनस और इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, जिसको यू लेट किया था उसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वन आएगा, और साइन टी के इंटीग्रेशन माइनस में आएगा तो वो प्लस कर गया इसको, और कोस टी बचा डी टी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पाई बाई 2, 0 ये पूरा 0 और 0 इसकी वजह से 0, खत्म कहानी इसकी, प्लस प्लस में क्या कोस टी, क्या आएगा साइन टी, लिमिट 0 टू पाई बाई 2, और ये क्या पाई बाई 2 पुट करो, साइन पाई बाई 2 1 माइनस साइन 0 0, आंसर क्या 1, इजी है। तो नेक्स्ट पार्ट, और ये जो पार्ट है हमने नाइन्थ चैप्टर में भी पढ़ा था और आपने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा है, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2 tan इनवर्स x आएगा, ठीक है, 2 tan इनवर्स x cos की फॉर्म में ही होता है, और अगर ये जानना चाहो कि आया कैसे है तो आप क्या करोगे, x को tan थीटा पुट कर लो, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, कोस 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है, 2 थीटा आएगा, थीटा क्या टेन इनवर्स x हो जाएगा, क्योंकि आपने x को टेन थीटा पुट किया था ना, ठीक है, वहां से, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं क्या 0 टू 1 2 टेन इनवर्स x। अब लिमिट पुट कर दो, 2 को बार किया, अच्छा लिमिट कैसे पुट करें, ये तो टेन इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, और टेन इनवर्स x का इंटीग्रेशन कैसे करें ये भी 9 चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, इसके साथ इंटू 1 कर लो और अप्लाई कर दो आईलेट, ठीक है। जब भी आप 1 मल्टीप्लाई करते हो ना, तो उस केस में इसको जिसके साथ आपने 1 मल्टीप्लाई किया है उसको u लेना, क्योंकि अगर आपको इंटीग्रेशन पता होता तो v ले लेते, मतलब इंटीग्रेशन पता होता तो u इंटू v करने की जरूरत ही नहीं थी, तो u इंटू v में हम v को इंटीग्रेट करते हैं ना, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हमको मालूम नहीं है तो इसको u लेट करोगे आप, ठीक है, डिफरेंशिएशन मालूम है इसका, तो 2 एज इट इज, इसको मैंने एज इट इज लिखा tan इनवर्स x को, और 1 का क्या आएगा x के रिस्पेक्ट में x आएगा, इसकी लिमिट 0 टू 1 माइनस, अब क्या करना है इंटीग्रेशन 0 टू 1, जिसको आपने u लेट किया उसको डिफरेंशिएट करो tan इनवर्स x को x के रिस्पेक्ट में, और 1 का क्या आएगा x आएगा, तो यहां पे लिख दिया मैंने x dx। अब नीचे वाले को कर दो पुट, क्या p, t नहीं किया ना तो t करो, पुट 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल t, 2x dx इक्वल dt, तो x dx क्या आया 1 बाई 2 dt, ठीक है, इसकी लिमिट चेंज हो जाएगी 2 इंटू अपर लिमिट 1, तो क्या आएगा पाई बाई 4,
माइनस जीरो, ठीक है, टू इंटू पाई बाई फोर, और ये टू कंप्लीट के साथ है ना, तो मैंने इस टू को यहाँ पे भी लिखा टू इंटू, हाँ लिमिट देखो इसकी क्या आएगी, अगर मैं जीरो लूँ तो टी की वैल्यू वन, और अगर मैं वन लूँ तो टू, वन टू टू हो गई, ठीक है। एक्स डी एक्स के बदले क्या आ गया वन बाई टू, तो अपॉन टू और डी टी, ऊपर खत्म कहानी, नीचे वाले को मैंने टी पुट किया था तो वन अपॉन टी, ठीक है, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, पाई बाई टू, और माइनस यहां पे लॉग टी वन टू टू, तो क्या आया पाई बाई टू माइनस लॉग टू, क्योंकि इसको पुट करोगे तो लॉग वन जीरो होते हैं, तो बस ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट एट्थ का लास्ट सिक्स्थ पार्ट है, जीरो टू वन टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये तो भाई टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो तो टू टेन इनवर्स की ही आइडेंटिटी है, और टू टेन इनवर्स एक्स उसकी लिमिट क्या है जीरो टू वन, तो ये तो सेम हो गया टू टेन इनवर्स एक्स जीरो टू वन, पूरा प्रोसेस यही, ठीक है। यहां पे जो आइडेंटिटी बन रही है ना वो टू टेन इनवर्स एक्स की सीधी सीधी बन रही है, ठीक है, सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, ओके। तो इसका सॉल्यूशन यहां से कंप्लीट होगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज खत्म करते हैं इस वीडियो को, बाकी जो क्वेश्चन है 9 to 15 है, करेंगे पार्ट्स पार्ट्स में करेंगे ना, अगर एक साथ करते तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है, ठीक है, मेरे को भी अपलोड करने में दिक्कत होती है, आपको भी शायद समझने में दिक्कत होती होगी कि कहाँ तक देख लिया था, कहाँ तक देखना बाकी है, ठीक है ना। दो दो क्वेश्चन करेंगे इनके पार्ट्स से, तो अभी जल्दी करेंगे, दिन का एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं ना, एक इलेवंथ का, एक ट्वेल्थ का, और कभी कभी टेंथ का भी हो जाए बीच में, है ना, तो आप वेट भी करना, सब्र रखना, ठीक है।